हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं 3D पैटर्न लेके आई हूँ। ये बबल वाला पैटर्न, इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, लेडीज जैकेट, बेबी स्वेटर में डाल सकते हो। रंग साइड पे ऐसे दिखता है। ये डिजाइन 8 रोज का डिजाइन है, वही 8 रोज आपको रिपीट करते जाना है पूरी प्रोजेक्ट में। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 4 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 1 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 1। इसमें मैंने 4 का मल्टीपल करके 16 प्लस 1 कर लिया है, टोटल 17 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कम्प्लीट करना है। एक फंदे से स्लिप करिए, धागा आगे की तरफ कीजिए, पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुनना है। फर्स्ट रो पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, फिर एक फंदा सीधा। अब ये 2 फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा आगे की तरफ कीजिए इस तरह से। अब उल्टे की तरफ से इस एक फंदों में से आपको 7 फंदा निकालना है, उल्टे की तरफ से इस तरह से लंबा खींचना है। 1 या नंबर 2, फिर इसी होल में डालना है नीडल। ये 3 या नंबर 4, ये 5, 7 फंदा इस तरह से निकालना है। ये 6, ये 7, 7 फंदा उल्टे की तरफ से एक फंदों में से निकालना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, धागा पीछे। अब 3 फंदा सीधा, 1 2 3। अब ये रिपीट करना है आपको। यहाँ 2 फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है, एक फंदों में से आपको 7 फंदा निकालना है उल्टे की तरफ से, फिर 3 फंदा सीधा, 1 2 3। आपको ये रिपीट करना है बार बार, फिर से पैटर्न को रिपीट करना है। धागा आगे, और फिर इस एक फंदों में से आपको 7 फंदा निकालना है, ढीला करना है इस तरह से। 1 या नंबर करना है इस तरह से उल्टी की तरफ से, 2, ये 3, फिर या नंबर 4, फिर इसी होल में डालना है निडल। ये 5, फिर ये 6, ये 7, 7 फंदा एक फंदों में से निकालना है। धागा पीछे। अब 3 फंदा सीधा, 1 2 3। तो डिजाइन ख़त्म हुआ है, फिर से रिपीट करना है। धागा आगे, अब एक फंदों में से आपको 7 फंदा निकालना है। 1 इस तरह से लंबा खींचना है, ये 2, ये 3 या नंबर 4, ये 5, ये 6, फिर इसी होल में डालना है 7। धागा पीछे। अब 3 फंदा सीधा, 1 2 3। यहाँ तक 3 डिजाइन ख़त्म हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है। धागा आगे, अब इस एक फंदों में से आपको 7 फंदा निकालना है, 1 या नंबर 2, फिर इसी होल में डालना है निडल। 3 या नंबर 4, ये 5, ये 6, फिर इसी होल में डालना है निडल 7। धागा पीछे। लास्ट में आपको 2 फंदा सीधा बुनना है, 3 फंदा का जगह आपको 2 फंदा सीधा बुनना है। थर्ड रो, एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, फिर एक फंदा उल्टा बुनिए। अब ये 2 फंदा बुनने के बाद आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा पीछे की तरफ कीजिए। जो एक फंदों में हमने 7 फंदे बनाए थे, उसको आप पीछे की साइड से 7 फंदों का एक फंदा बनाना है। थोड़ा सा इस तरह से ढुल्ला करेंगे पीछे की साइड से, इस तरह से 7 फंदों का एक फंदा निकालना है। तरह से फिर धागा आगे, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब ये रिपीट करना है आपको।
ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको ये बबल बनाना है, सात फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, आपको ये चार फंदा रिपीट करते जाना है। फिर से रिपीट करना है धागा पीछे। अब इस सात फंदे, एक फंदे में सात फंदे बनाए थे, उसको अब सात फंदों का एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। ये पीछे से एक फंदा इस तरह से निकालेंगे, फिर धागा आगे। अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, दो डिजाइन खत्म हुआ है। फिर से रिपीट करना है धागा पीछे। अभी सात फंदों को एक फंदा बनाना है पीछे की तरह से। इस तरह से आपको ढीला करना है, पीछे की साइड से सात का एक करना है, फिर धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे। फिर से रिपीट करना है, ये सात फंदों को एक फंदा बनाना है। फिर धागा आगे, लास्ट में आपको तीन फंदा उल्टा बुनने की जगह दो फंदा उल्टा, एक ए दो। फोर्थ रो, फोर्थ रो, एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, फिर एक फंदा सीधा बुनिए। अब ये दो फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। धागा आगे की तरफ कीजिए, ये बबल वाला फंदा आपको ऐसे स्लिप करना है बिना बुने, फिर धागे के पीछे लाना है इस तरह से। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये दो फंदों को छोड़कर, आपको रिपीट करना है, एक फंदा बिना बुने स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा बुनना है। धागा आगे, फिर से रिपीट करना है, इस फंदे को आप बिना बुने से स्लिप करना है, फिर धागा पीछे लाना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर से रिपीट करना है पैटर्न को, धागा आगे, इस फंदे को इस तरह से बिना बुने स्लिप करना है, फिर धागे को पीछे लाना है, फिर तीन फंदा सीधा, दो ए तीन। फिर से रिपीट करना है, धागे को आगे लाना है, अब इस फंदे को बिना बुने स्लिप करना है, फिर धागे को इस तरह से पीछे लाना है, फिर लास्ट में दो फंदा सीधा, एक दो। फिफ्थ रो देखिए, इस तरह से आपको डिजाइन बनेगा। फिफ्थ रो, एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, फिर एक फंदा उल्टा बुनिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। ये स्लिप वाला फंदा धागे को पीछे लाना है, ये स्लिप वाला फंदा फिर यहाँ भी ऐसे स्लिप करना है, फिर धागे को आगे लाना है, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये रिपीट करना है आपको, ये दो फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। बिना बुने एक फंदे से स्लिप करना है, फिर तीन फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे। फिर से रिपीट करना है, इस फंदे को इस तरह से स्लिप करना है, धागे पीछे के तरफ होना चाहिए, फिर धागे आगे लाना है, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। फिर से धागे पीछे, इस फंदे के से बिना बुने स्लिप करिए, फिर धागा आगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। फिर धागा पीछे, फिर से इस फंदे के से बिना बुने स्लिप करिए, फिर लास्ट में आपको दो फंदा उल्टा बचेगा। सिक्स रो, सिक्स रो, एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, अब तीन फंदा उल्टा। देखिए अब सिक्स रो में डिजाइन को, इस डिजाइन को आप यहाँ शिफ्ट करना होगा, इस डिजाइन को यहाँ बीच बीच में इस डिजाइन आएगा। अब एक फंदा से स्लिप करिए एज स्टिच, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो ए तीन, तीन फंदा सीधा, धागा आगे, सॉरी धागा आगे। अब इस फंदों में सात फंदा निकालना है, देखिए यहाँ बीच में आएगा इस डिजाइन, इस फंदों में आपको सात फंदा निकालना है उल्टी की तरफ से, एक या नंबर दो ए तीन, या नंबर चार ए पाँच, या नंबर छः ए सात, सात फंदा उल्टी की तरफ से इस तरह से निकालना है, धागा पीछे। अब तीन फंदा सीधा,
एक दो ये तीन। अब ये रिपीट करना है आपको, ये चार फंदों को छोड़कर ये दो चार यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। एक फंदे में से आपको सात फंदा निकालना है, फिर तीन फंदा सीधा है, एक दो तीन। आपको ये रिपीट करना है बार बार, फिर से रिपीट करना है पैटर्न को धागा आगे। इस फंदों में आपको सात फंदा निकालना है, एक या नंबर दो ये तीन या नंबर चार पाँच छः सात, सात फंदा इस तरह से निकालना है धागा पीछे, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो ये तीन, धागा आगे। फिर से रिपीट करना है, इस फंदों में आपको सात फंदा निकालना है, एक या नंबर दो ये तीन या नंबर चार ये पाँच छः ये सात, सात फंदा इस तरह से निकालना है धागा पीछे। अब लास्ट में आपको चार फंदा सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। शुरू में भी चार फंदे सीधे आए थे, लास्ट में भी आपको चार फंदे सीधे आएगा। अब एक सेवेंथ रो, एक फंदे से स्लिप करिए एज स्टिच। अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये चार फंदा बुनने के बाद अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको धागा पीछे। अब जो एक फंदों में से सात फंदे बनाए थे उसको अब सात फंदों को एक फंदा बनाना है बैक लुक से, पीछे की साइड से इस तरह से। फिर धागा आगे। अब तीन फंदा उल्टा, एक दो ए तीन। अब ये रिपीट करना है आपको, ये चार फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है, ये चार फंदा रिपीट करते जाना है, एक फंदा सात फंदों का एक फंदा बनाना है, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। आपको ये रिपीट करना है बार बार, फिर से रिपीट करना है धागा पीछे। अब इस सात फंदों का एक फंदा बनाना है पीछे की साइड से। फिर धागा आगे। अब तीन फंदा उल्टा, एक दो ये तीन, धागा पीछे। फिर इस सात फंदों का एक फंदा निकालना है, दो तीन चार पाँच छः सात। फिर धागा आगे। अब लास्ट में आपको चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। एट रो, एट रो, एक फंदा से स्लिप करिए, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको, धागा आगे की तरफ कीजिए इस तरह से। अब इस फंदों को आप बिना बुने से स्लिप करना है, फिर धागे को पीछे लाना है इस तरह से। अब अगले तीन फंदा आपको सीधा बुनना है, एक दो ए तीन। चार फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है बिना बुने एक फंदा इसे स्लिप करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। फिर से पैटर्न को रिपीट करना है, धागा आगे, बिना बुने एक फंदा इसे स्लिप करिए, फिर धागे के पीछे लाना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो ए तीन। फिर से रिपीट करना है, धागा आगे, इस फंदे को इसे बिना बुने स्लिप करना है, फिर धागा के पीछे लाना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। एज स्टिच भी सीधा। लास्ट में आपको चार फंदा सीधा आएगा, शुरू में भी चार फंदा सीधा। देखिए फ्रेंड, ये डिजाइन एट रो का डिजाइन है, एट रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा। अब आपको यहाँ से रो वन स्टार्ट करना है, रो वन पूरी सिलाई आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है, देन आपको रिपीट करते जाना है वन टू एट रो। एट रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा, देखिए बुनने के बाद ऐसे डिजाइन बन के आएगा, बहुत ही सुंदर डिजाइन है। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।